सब्सक्राइब करें एजुकेशन इन्फो टीवी को और साथ बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस करें एजुकेशन से मुतालिक नई वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल करीम, एजुकेशन इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा और सबसे बड़ी ये खुशखबरी है कि एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के दूसरे फेज़ का आगाज़ कर दिया है। जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो जल्दी से घर बैठे अप्लाई कर दें, क्योंकि हुकूमत ने एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के दूसरे फेज़ का आगाज़ कर दिया है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत की है कि हमारे पास बैलेंस नहीं होता और हम लोग किस तरह से अप्लाई करें। अब जिसके पास बैलेंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनका शनाख्ती कार्ड एक्सपायरी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप लोग ख़ुद भी देख सकते हैं कि अहम तरीन न्यूज़ वो ये अहम तरीन न्यूज़ है कि हुकूमत ने 8171 पर SMS फ़ीस ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अब जिस शख्स के पास बैलेंस होगा और जिस शख्स के पास बैलेंस नहीं होगा, तमाम लोग तमाम अफराद ये मैसेज कर सकते हैं 8171 पर 12,000 रुपये लेने के लिए। और दूसरी बात, एक्सपायर शनाख्ती कार्ड पर भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अगर किसी शख्स का ID कार्ड एक्सपायरी हो चुका है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, वो भी 12,000 रुपये एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के 12,000 रुपये ले सकता है। एक ख़ानदान में एक ही फ़र्द को नोटिफिकेशन आएगा। अब एक ख़ानदान में सिर्फ एक आदमी को ही पैसे मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एक ही ख़ानदान में पाँच पाँच चार चार अफराद ने अप्लाई किया हुआ है तो सबका ओके हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक ख़ानदान में सिर्फ एक ही अफराद को ये पैसे मिलेंगे 12,000 रुपये, तमाम को ये पैसे नहीं मिलेंगे। सानिया निस्तर के ऑफिशियल, कल सानिया निस्तर ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के दूसरे फेज़ का ऐलान कर दिया गया है। अब 8171 पर मैसेज करने की कोई फीस नहीं है, आप लोग फ्री मैसेज कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जिन लोगों का शनाख्ती कार्ड एक्सपायरी हो चुका है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हर ख़ानदान में से सिर्फ एक आदमी को ये पैसे मिलेंगे, तमाम आदमी को ये पैसे नहीं मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी से इसे लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, अल्लाह हाफिज़।